वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो है मेरी, आप लोगों को वीडियो टाइटल वगैरह देख के आइडिया हो ही गया होगा। तो जी, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी ये वाला व्लॉग बनाने की, बस टेस्को वगैरह जाना हुआ वीकली ग्रॉसरी के लिए, तो वहाँ पर फिर ये देखा कि हेलोवीन के काफ़ी कॉस्ट्यूम्स वगैरह काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं। सो बस मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी स्केरी किस्म के मास्क वगैरह रखे हुए हैं और हैट्स हैं, कैप्स हैं लोगों की, और ये सब कॉस्ट्यूम्स वगैरह। एक्चुअली होता क्या है कि सब लोग 31 अक्टूबर को ये डे होता है, तो सब लोग अपने इस कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहन के खूब जितना अपना आप खो स्केरी, लाइक कोई विच वगैरह, कोई जोम्बी लाइक मॉन्स्टर्स वगैरह जो भी बनना चाहे वो बन जाता है, ठीक है। और फिर ट्रिक और ट्रीट करते हैं ये लोग, लाइक बच्चे वगैरह बास्केट वगैरह लेकर आते हैं अपने कॉस्ट्यूम्स पहन के, फिर वो आपसे पूछते हैं कि ट्रिक और ट्रीट, तो ऑब्वियसली ट्रीट ही। तो फिर हम लोग लाइक घरों में लाके स्वीट्स वगैरह रख लेती हूँ, मैंने भी लाके रखी थी पिछले दफ़ा, बट इस दफ़ा का हेलोवीन बहुत डिफरेंट है। कोई लोगों ने इस दफ़ा कोई तैयारी वगैरह नहीं की, ना कोई डेकोरेशन वगैरह की, जस्ट पम्पकिन वगैरह ही रख दिए थे लोगों ने घरों के आगे, लेकिन इस दफ़ा कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ जी। तो ये आप देख सकते हैं सारी ट्रीट्स वगैरह भी रखी हुई हैं, और लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि सबने जो रूल्स वगैरह यही फॉलो ही किए हैं कि किसी के घर जाके ट्रिक और ट्रीट नहीं हुआ इस दफ़ा, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा रिस्की तो यही था कि आप किसी के घर जाके ट्रिक और ट्रीट करें, डोर आपने लोग फिर निकलें वो अपने हाथ से ट्रीट्स दें, तो ये बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब हो जाती बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। मेरे एरिए में ये हुआ था कि एक दो घर जो थे उन्होंने अपनी बाहर की दीवार पर ही ट्रीट्स वगैरह टेप से लगा दी थी और टेबल पे चीज़ें रख दी थी लाइक, तो उन्होंने खुद ही लिख दिया था कि ट्रीट योर सेल्फ ना, तो जो भी बच्चे वगैरह या हों तो खुद ही एक ट्रीट उठा लें। और यहाँ पे क्रिसमस का भी सामान आना शुरू हो गया है, सारी चीज़ें वगैरह क्रिसमस के थीम्स के मुताबिक ही सब चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली दो ही इवेंट्स इनके ज़्यादा वो होते हैं, ईस्टर भी होता है लेकिन इस पे ज़्यादा लोग, इस पे क्रिसमस पे और हेलोवीन पे लोग ज़्यादा तैयारियाँ करते हैं। और जी ये बास्केट्स हैं ट्रिक और ट्रीट वाली जो मैंने अभी आपको बताया था, तो ये वही होता है कि बच्चे ही बास्केट्स लेकर आते हैं और फिर बास्केट आगे कर देते हैं, तो हम लोग इसमें जो है ट्रीट्स वगैरह, क्योंकि क्रिसमस की भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद फिर एक मज़ेदार चीज़ आती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अच्छा देखने में इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं सारी चीज़ें कि दिल चाहता है कि बस सब आप अपने घर में ला के ना डेकोरेट कर लें घर खुद ही। अच्छा मैं सीरियसली ये सोच रही थी कि लाइक यहाँ पे जैसे क्रिसमस आता है तो ये लोग कितनी सेलिब्रेट करते हैं, कितना डेकोरेट करते हैं घर को लाइटें वगैरह, और तो हमें भी चाहिए। मैं सोच रही थी कि लाइक ईद जैसे हम लोगों की ईद वगैरह आती है, तो हमें भी चाहिए कि वैसे ही उसको डेकोरेट करें घरों को, और इस तरीके से हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में भी इस तरीके से चीज़ें मिलें। लाइक आप देख सकते हैं कि हर किस्म की थीम है, लाइक पिंक, जिसको पिंक पसंद है, जिसको वाइट क्रिसमस पसंद है, रेड तो ऑब्वियसली होता ही है लेकिन वाइट क्रिसमस का भी होता है यहाँ पर, और वो तभी होता है जब ज़्यादा स्नो फॉल वगैरह हो जाए, और कंट्रीज़ में काफ़ी कंट्रीज़ में होती होगी लेकिन यूके में मुझे नहीं लगता कि, एटलीस्ट मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्रिसमस के बाद ज़रूर स्नोफॉल हुई है लेकिन उससे पहले तो नहीं हुई। देख सकते हैं कि ये सब क्रिसमस के गिफ्ट वगैरह भी हैं, लाइक ये लोग गिफ्ट वगैरह जैसे देते हैं, प्रेजेंट्स करते हैं एक दूसरे को, तो ये सारी चीज़ें भी आना शुरू हो गई हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को ये व्लॉग भी मेरा पसंद आया होगा। सो गाइज फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।